hello 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 good morning good morning hello mr ganubappa status good morning everybody hello 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 dear students chalo, are we live good morning happy diwali everybody it's a very good day hello hello good morning bacha log, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स हेलो अलीजा हेलो महिमा हेलो बच्चा लोग चलो यार दिवाली का दिन है बहुत अच्छा दिन है yes. सब मेरे बच्चे भी आ गए हैं गुड मॉर्निंग आदित्य गुड मॉर्निंग शगुफ्ता समीर जैस्मिन ऋतिक इंस्टा रील्स महिमा गनू प्रशांत रुचा है मैम मेरा नाम अच्छा ओके रुचा आप अपना यूजर uh, आईडी का नेम चेंज कर लो तो मुझे याद रहेगा हेलो महिमा हेलो सतेज आई एम गुड अलीजा थैंक यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी हेलो आदित्य चलो तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब मुझे फटाफट से बता दो प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में प्लांट के तीन एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे तीन मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे तो जल्दी जल्दी बता दो मुझे कि प्लांट कैसे इंटरैक्ट करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग इट्स अ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल डे चलो एक बार मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँ कर दूँ आप लोगों ने कर दिया अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर चलो अंजलि मैम इज लाइव नाउ

चलो सब जगह पे शेयर कर दिया वेरी गुड सिद्धार्थ अलीजा वेरी गुड वेरी गुड सिद्धार्थ हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैम मेरा फर्स्ट क्लास है मैम आज आपका क्लास तो नहीं है हाँ मुझे पता है आज मेरा क्लास नहीं होता है लेकिन अजय सर के गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है तो उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करूँगा सुबह लेक्चर लेने का हुआ तो ले लूँगा लेकिन नहीं हो पाया तो अभी वो दवा खा के फिर से सो गए हैं अभी वो दोपहर को देखेंगे मतलब अभी जब उठेंगे थोड़े टाइम के बाद तो देखते हैं उनका गला अगर ठीक लगा तो वो बाकी का रिकॉर्डिंग करेंगे बाकी का लेक्चर लेंगे ठीक है कोई बात नहीं ना यार मेरा कल लेक्चर होने वाला था उसकी जगह मैंने आज ले लिया तो कल आपको छुट्टी रहेगी हमारी तरफ से दिवाली छुट्टी रहेगी आराम से सो के उठना और बैकलॉग कवर करना ठीक है प्लीज कैरी आउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सॉरी प्लांट्स यस वेरी गुड सतेज वेरी गुड हेलो सचिन गुड मॉर्निंग यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एस सेड वेरी गुड तो सब लोगों ने मेरा करेक्ट आंसर दे दिया है मैंने आपसे पूछा था कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं या प्लांट्स कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैरी आउट करते हैं तो दे डू इट बाय फाइटो हॉर्मोन्स ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया के बारे में जो बच्चे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जो बच्चे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा कल का सेशन भी एक बार देख लेना आज का सेशन आप देखो ये होने के बाद जो कल का सेशन था वो बायोलॉजी का पूरा लाइव लेक्चर का एक प्ले बनाया है उस प्ले में जाके आप प्लीज कल का सेशन भी एक बार देख लेना रुको मैं इधर पे ना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देती हूँ ठीक है चैट बॉक्स में मैं एक बार टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सके ओके वन सेकेंड क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम का लिंक मिलता ही नहीं है या उनके फोन में लिंक ओपन नहीं होता है काय तरीकाय नुस्ता तो झोल होता ठीक है कोई बात नहीं बट मैम वेन मैम इज हियर वाइफ हियर ठीक है चलो मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल द अपडेट्स ओके चलो मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी शेयर कर दिया है मैसेज को पिन भी कर दिया है ओके ऑल राइट सो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो लोग प्ले में जाकर कल वाला जो लेक्चर है वो एक बार देख लेना आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे कैरी आउट करते हैं क्या रिप्लाई दिया है किसी ने वैष्णवी मैम मैं, मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के सभी डायग्राम ड्रॉप कर दिए बेटा ये बहुत गलत बात है अगर आप ट्वेल्थ के डायग्राम ड्रॉप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दस पंद्रह मार्क्स खड्डे में चला जाएगा आज मेरा फर्स्ट डे है महिमा आपके सारे लेक्चर्स आर रियली फेब्यूलस थैंक यू थैंक यू महिमा मैम ये वीडियो प्ले में भेजे अनिकेत हरकल बेटा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ आपको ट्वेल्थ बायोलॉजी लाइव लेक्चर्स का पूरा एक प्लेलिस्ट मिलेगा आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा आ, हाँ क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी लाइव बायोलॉजी कोर्स ऐसा पूरा एक प्ले मिलेगा जिसमें अपना बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है सारे चैप्टर्स एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे अलग अलग प्लेलिस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो हमने कल क्या पढ़ा था कि आपका प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेशन करता है बाय फाइटो हॉर्मोन्स और फिर हमने क्या पढ़ा था हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गैनिज्म होते हैं जैसे स्पॉन्जेस देखो अलग अलग फाइलम हमने पढ़ा है सबसे पहला फाइलम हमने कौन सा देखा पॉरीफेरा पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या था स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस जो पानी में रहते हैं इनके पास अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं दे हैव अलग अलग टाइप के सेल्स बट दे डोंट हैव प्रॉपर नर्वस सिस्टम जिसके वजह से इनके अंदर हमको प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता और ये अपना काम आपस में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है अब आज हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एंड नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया के बारे में ओके थैंक यू अलीजा थैंक यू सो मच तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एंड नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया के बारे में इन दोनों टॉपिक्स में हम क्या देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे था पहले देखो एकदम स्टार्टिंग में फाइलम जो है फाइलम में नर्वस सिस्टम ही नहीं था फाइलम में क्या था देर वॉज नो नर्वस सिस्टम फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये फाइलम एडवांस हुआ ये फाइलम से नाइडेरिया फाइलम बना ठीक है या निडारिया वट एवर यू कॉल इट तो इसमें हमको सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिला कैसा नर्वस सिस्टम देखने को मिला सिंपल नर्वस सिस्टम देखने को मिला सिंपल या जिसको आप डिफ्यूज भी बोल सकते हो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और फिर धीरे धीरे करके निडारिया का एग्जाम्पल क्या है हाइड्रा और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये और ज्यादा डेवलप होते गए तो फिर आता है अपना प्लेनेरिया प्लेनेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटी हेलमिथस तो प्लेटी हेलमिंथस में हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्स्ट प्रिमेटिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिला तो वो बोलते हैं ना जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स का नर्वस सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होते जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होता है बॉडी की साइज बढ़ती है तो बॉडी के ऑर्गन्स बढ़ते हैं बॉडी के ऑर्गन्स बढ़ते हैं तो ऑर्गन्स के बीच का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है नहीं तो मालूम पड़ा कि आपका लंग्स अलग टाइम पे काम कर रहा है आपकी किडनी कुछ अलग काम कर रही है आपका हार्ट कुछ अलग काम कर रहा है जिसके वजह से बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है और पूरा धजिया उड़ गया अपने बॉडी का ठीक है तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी आपस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करे ओके okay? तो आप सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रा के बारे में देखो हाइड्रा एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है ठीक है इट इज़ अ निडारियन ये कौन से फा, फाइलम को बिलोंग करता है हमने कल कौन सा पढ़ा था पॉरीफेरा पढ़ा था पॉरीफेरा का एग्जाम्पल पॉरी मीन्स पोर्स तो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था स्पॉन्जेस अब आज हम नेक्स्ट फाइलम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं निडारिया या नाइडेरिया आप जिसको बोल सकते हो और इसका एग्जाम्पल क्या है हाइड्रा नाइडेरिया हाइड्रा ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सोहेल खान गुड मॉर्निंग राम तो आज हम क्या देखने वाले हैं हाइड्रा और नाइडेरियन शोज द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम डिफ्यूज मतलब क्या होता है पूरी बॉडी में जो फैला हुआ होता है डिफ्यूज यानी कि स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सारी पूरी की पूरी बॉडी में ये नर्व फाइबर्स फैले हुए होंगे सो so, उसको बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं उसको हम डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम तो हाइड्रा शोज डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज द मोस्ट प्रिमेटिव नर्वस सिस्टम तो ये सबसे पहला सबसे पहला सिंपल नर्वस सिस्टम है जो हमको हाइड्रा में देखने मिला था क्योंकि पोरीफेरा के पास तो नर्वस सिस्टम ही नहीं था पॉरीफेरा के पास देर वॉज नो नर्वस सिस्टम तो पहला नर्वस सिस्टम हमको किस में देखने को मिला हाइड्रा में यानी कि निडारिया फाइलम में किस में देखने को मिला निडारिया फाइलम में देखने को मिला और ये नर्वस सिस्टम कैसे टाइप का था मिस्बा खान मैम ये चैप्टर कितने डेज में एंड होगा बेटा इसका मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड किया था तो 25 वीडियोस अपलोड हुए थे तो समझ के चलो कि 20-25 लेक्चर्स लगेंगे इसके लिए और आज इसका सेकंड लेक्चर है मैं तो कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेके जल्दी से जल्दी खत्म करने का लेकिन अगर समझो किसी को ये चैप्टर जल्दी ख़त्म करना है अगर आपको ये चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करना है तो प्ले में ऑलरेडी इस चैप्टर के सारे रिकॉर्डिंग वीडियोज अवेलेबल है मेरा जो प्लेलिस्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का उसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है मैंने एकदम डिटेल में तो अगर किसी को जल्दी देखना है तो वो अपना पहले ही वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से आप देख के रख सकते हो और जिनको लाइव लेक्चर अटेंड करना है वो लाइव लेक्चर में अपना रिविजन कर सकते हैं ठीक है वेरी गुड रुचा ओके तो देखो क्या बोला है हमको इधर पे कि हाइड्रा में हमको सबसे पहली बार डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिला था डिफ्यूज मतलब क्या होता है पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता है यानी कि इस तरीके से पूरी बॉडी में जो नर्व्स होते हैं वो फैली हुई होती है ठीक है गुड मॉर्निंग प्रणय इज द मोस्ट मोस्टिव नर्वस सिस्टम और ये सबसे प्रिमेटिव नर्वस सिस्टम है प्रिमेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे फटाफट नो प्रॉब्लम साक्षी प्रिमेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे फटाफट प्रिमेटिव यानी कि प्राइमरी यानी कि सबसे पहला नर्वस सिस्टम प्रिमेटिव मतलब क्या होता है हेलो अभी Primitive मतलब क्या होता है प्राइमरी यानी कि सबसे पहला नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम वाज इन सिस्टमिया ओके द और नाइडेरियस आर द फर्स्ट एनिमल ग्रुप शोइंग ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम तो मैं आपको बार बार क्या बता रही हूँ कि निडारियम फाइलम जो था यस वेरी गुड सिद्धेश निडारिया जो था गुड मॉर्निंग आशीष हेलो अभी तो निडारियंस जो हैं ये पहले एनिमल ग्रुप हैं जिनमें हमको ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है यानी नर्वस सिस्टम देखने की शुरुआत निडारिया से हुई थी या नाइडेरिया से हुई थी इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल्स एंड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स अलोंग विद देयर फाइबर्स तो क्या बोला गया हमको इधर पे कि इनमें हमको क्या देखने को मिलता है ये जो निडारियंस हैं या ये जो हाइड्रा है इनमें हमको क्या देखने को मिलता है कि इनके पास जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है और लंबे लंबे फाइबर्स प्रेजेंट है इनके बॉडी के जो नर्व सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं स्कैटर्ड स्कैटर्ड यानी कि फैले हुए होना जी के जैसे दिवाली के टाइम पे साफ सफाई करने के टाइम पे घर पे कैसे पूरा सब कुछ फैल जाता है हेलो आदित्य सोलंके यस yes. सर so, क्या बोला गया है हमको इधर पे द नर्व सेल्स आर स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई सिन दाइबर्स टू फॉर्म द नर्व नेट अब देखो इधर पे क्या बोला गया है समझो कि ये एक न्यूरोन है समझो ये एक न्यूरोन है ठीक है और ये दूसरा न्यूरोन है तो दूसरा न्यूरोन और पहले न्यूरोन के बीच में जो कनेक्शन है दूसरे न्यूरॉन और पहले न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट है इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स इस गैप को हम क्या बोलते हैं सिनेप्स तो इधर पे देखो हमको क्या बोला गया है बोथ द न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ सिनेप्स ये देखो ये एक न्यूरॉन है ये दूसरा न्यूरॉन है तो दोनों न्यूरॉन के बीच में जो गैप हमको दिखाई दे रहा है उस गैप को हम क्या बोलते हैं Yes, obviously, रुचा, मैं तो बच्चों को बोलती हूँ सिनेप्स सो ये दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं बीच के गैप के वजह से और इस गैप को हम क्या बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इस गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं ठीक है तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। ये जो दो न्यूरॉन्स है ये कैसे प्रेजेंट होते हैं ये पूरे के पूरे बॉडी में नर्व सेल्स फैले हुए हैं और ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ अ स्मॉल या स्मॉल गैप टू फॉर्म द नर्व नेट इनकी बॉडी में ये जो आपको दिखाई दे रहा है नर्व फाइबर्स इनकी बॉडी में ये जो नर्व फाइबर्स आपको दिखाई दे रही है ये पूरी नेट के फॉर्म में पूरी बॉडी में फैली हुई है यानी कि जाले के फॉर्म में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके, फैला डिस्ट्रीब्यूटेड होना, होना. इधर दिया है ना स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा स्टेटमेंट पढ़ो आपको अपने आप मीनिंग पता चल जाएगा देर आर टू नर्व नेट नर्व नेट मतलब क्या होता है जैसे मच्छी पकड़ने के लिए जाला होता है आदित्य केकन बताया ना बेटा मैंने स्कैटर्ड यानी कि फैला हुआ ये क्या बोलते हैं नर्व नेट मतलब क्या होता है जैसे मच्छी का जाला या मच्छरदानी होती है ना मस्कीटो नेट तो मस्कीटो नेट कैसे ऐसे 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 पतली पतली जाली होती है ताकि कोई भी मस्कीटो अंदर ना आ पाए वैसे ही हमको नर्व नेट दिखाई देता है ये नर्व नेट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आर तो टू नर्व नेट्स हाइड्रा में हमको दो नर्व नेट देखने को मिलते हैं बोथ इन द मीसोग्लिया मतलब समझो ये अपने हाइड्रा का मिडल बॉडी है ये मीसोग्लिया मीसोग्लिया मतलब क्या होता है इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म देखो हाइड्रा का जो बाहर का स्किन है

एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है उस लेयर को हम बोलते हैं मीसोग्लिया और मीसोग्लिया से ही ये दोनों नर्व नेट निकलते हैं एक नर्व बंडल जाता है एक्टोडर्म के पास एक नर्व बंडल जाता है एंडोडर्म के पास सो so, दो नर्व नेट देखने को मिलते हैं हमको हाइड्रा में एक बाहर की स्किन की तरफ पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं और एक अंदर अंदर पूरी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में फैले हुए होते हैं यस श्रुतिक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम लो शुभम तो देखो इधर क्या बताया गया है देर आर टू नर्व नेट्स बोथ इन द मीसोग्लिया वन इज कनेक्टेड टुअर्ड्स द एपीडरमिस सो एक बंडल एक नर्व नेट मीसोग्लिया से निकल के एक नर्व नेट मीसोग्लिया से निकल के पूरा एक्टोडम में फैला हुआ है और एक नर्व नेट मीसोग्लिया से निकल के पूरा एंडोडर्म में फैला हुआ है ठीक है वन इज कनेक्टेड टुवर्सिनट इज एपीडर्मिस बॉडी वॉल एंडल्स बट सेंस ऑर्गन आर लैकिंग देखो अभी इधर पे क्या बोला गया है हमारे हाइड्रा के पास सेंसरी सेल्स है हमारे हाइड्रा के पास गुड मॉर्निंग अक्षय हमारे हाइड्रा के पास सेंसरी सेल्स है बट इनके पास सेंस ऑर्गन नहीं है इनके पास सेंस ऑर्गन नहीं मतलब अगर मैं तुमको एक सिंपल एग्जाम्पल दू तो हमारे पास स्मेल करने वाला सेल है लेकिन नोज नहीं है अगर ऐसा इमेजिन करो तो ये वही एग्जाम्पल है जैसे हैरी पॉटर में वोल्डे था ना वोल्डे के पास वोल्डे सूंघ सकता था लेकिन उसका नाक गायब था उसके पास नाक का स्ट्रक्चर नहीं था तो बस यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेके हमको बताया गया है कि हमारे जो हाइड्रा होते हैं इनके पास सेंसरी सेल्स होते हैं ये सेंसेशन रिसीव करते हैं सेंसेशन मतलब क्या होता है बाहर से आने वाला सिग्नल बाहर से आने वाला सिग्नल्स गुड मॉर्निंग पल्लवी तो ये सारा का सारा इम्पल्स रिसीव करते हैं दे हैव हैव सेंसरी सेल्स बट दे डोंट सेंस हैगन ठीक है न्यूरॉन्स हैव फाइबर्स बट न्यूरोन्स आर नो सेंसरी एंड मोटर नर्व तो देखो इधर पे क्या बोला गया है ये जो न्यूरोन्स है इन न्यूरोन्स के पास आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा न्यूरॉन्स से ऐसा पूरा आपको फाइबर देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली अलग से कुछ नहीं बताया गया है कि ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है ऐसा नहीं बताया गया है समझो कि ये हमारा एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में कैसे अलग अलग टाइप के नर्व्स होते हैं सेंसरी नर्व होते हैं मोटर नर्व होते हैं सेंसरी नर्व मैसेज बॉडी से ब्रेन तक लेके जाता है यस आशीष ऑल विडियोज ऑफ कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन आर अवेलेबल इन द्ले लिस्ट मैम तुम्हें मराठी खूब छान है बरोबर ये तो है देखो ह्यूमंस में या हायर एनिमल्स में हमको क्या देखने के लिए मिलता है हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये देखो ये इतने लंबे लंबे नर्व फाइबर्स है ये पूरी बॉडी में ये जो नर्व फाइबर फैले हुए हैं ये जो ब्रेन तक जाते हैं जो नर्वस सिस्टम तक जाते हैं इनको हम नर्व फाइबर बोलते हैं ठीक है तो हाइड्रा के पास भी ऐसे नर्व फाइबर्स है लेकिन उनके पास ऐसे अलग से सेंसरी नर्व या मोटर नर्व नहीं है उनके पास सिर्फ नर्व सेल्स है जो सेंसेशन रिसीव तो करता है लेकिन उस सेंसेशन को किधर लेके जाना है वो उनको पता नहीं होता जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ ये जो अपना रेड वाला नर्व है ये सेंसरी नर्व है कौन सा नर्व है ये सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेज रिसीव करके ब्रेन तक लेके जाता है यानी कि इसका डायरेक्शन फिक्स है और yes नो no बोलो चैट में यस और नो बोलो चैट में मैम ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए सी की प्रिपरेशन कैसे करें मिसबा खान बुक खोलो टेक्स्ट बुक रीड करो एमसीक्यू सॉल्व करो यस हेलो तुषार तो मैंने आपसे क्या पूछा कि यहाँ पर आपको सेंसरी न्यूरॉन देखने को मिल रहा है ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज रिसीव कर रहा है ये सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है मैसेज रिसीव करके नर्वस सिस्टम तक लेकर जा रहा है ठीक है तो इसका एक डायरेक्शन फिक्स है इसका एक डायरेक्शन फिक्स है कि कहीं से भी बॉडी से अगर मैसेज आया तो उसको नर्वस सिस्टम तक लेकर जाना है अगर आपके पैर के लास्ट उंगली में चोट लग गई समझो आप क्लास में चल रहे हो अचानक से बेंच से आपका पैर टकरा गया तो पैर की जो लास्ट उंगली होती है उस पर जोर से चटका लगता है जोर से चोट लगती है तो उसका मैसेज भी अपने नर्वस सिस्टम तक जाता है तो हमारी बॉडी में हम सबसे ज्यादा डेवलप्ड एनिमल्स है तो हमारी बॉडी में कैसे कहीं से भी कुछ भी सिग्नल आएगा तो वो सिग्नल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है एक डायरेक्शन एक पोलैरिटी फिक्स होती है क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स हैं सेंसरी न्यूरॉन मैसेज रिसीव करता है फिर नर्वस सिस्टम उस मैसेज का प्रोसेसिंग करता है यानी कि चेक करता है क्या मैसेज आया है और फिर उस मैसेज का रिस्पांस वो मोटर न्यूरॉन को देता है किसको देता है मोटर न्यूरॉन को देता है और फिर हम अपना पैर वहाँ से हटा लेते हैं जहाँ से हमको चोट लगी है तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है ये एक्शन कैरी आउट करता है ये क्या करता है एक्शन कैरी आउट करता है तो हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूरॉन्स है सेंसरी न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन है एक न्यूरॉन मैसेज रिसीव करेगा दूसरा न्यूरॉन मैसेज डिलीवर करेगा तो इसको बोलते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स और इनका डायरेक्शन वगैरह सब फिक्स रहता है इसका डायरेक्शन वगैरह क्या रहता है सब फिक्स रहता है लेकिन अपने हाइड्रा के पास ऐसा कुछ नहीं है अपने हाइड्रा के पास एक लंबी सी फाइबर है और यही फाइबर सेंसरी न्यूरॉन का भी काम कर रही है और मोटर न्यूरॉन का भी काम कर रही है यानी कि हाइड्रा के पास अलग अलग सेंसरी या मोटर नर्व्स नहीं है दे हैव न्यूरॉन फाइबर्स बट दे डोंट हैव डिफरेंट सेंसरी और मोटर नर्व्स सबको इधर तक समझ में आया येस एवरीबडी मी क्विकली यस यस रुतिक वेरी गुड ये देखो यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे जो आपको ऑफरेंट नर्व बताया है यहाँ पे ये यह जो ऑफरंट न्यूरॉन बताया है this is nothing but your sensory neuron afferent afferent is your sensory neuron and efferent efferent neuron is nothing but your motor neuron okay very good nahi nahi rucha is channel pe sirf biology aur physics ka lecture hota hai theek hai तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि हमारे hydra के पास डिफ्यूज type का nervous system है आप खुद का short notes कैसे बनाओगे हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है इट बिलोंग्स टू नाइडेरिया हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है इट बिलोंग्स टू नाइडेरिया इसमें हमको कैसे टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है डिफ्यूज टाइप डिफ्यूज टाइप डिफ्यूज टाइप का सिंपल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है ठीक है हाइड्रा के पास लंबे लंबे नर्व फाइबर्स है हाइड्रा के पास लंबे लंबे नर्व फाइबर्स है जो दो नर्व नेट बनाते हैं जो दो टाइप के नर्व नेट बनाते हैं ठीक है दे मेक टू टाइप्स ऑफ नर्व नेट्स एक नर्व नेट बाहर की तरफ प्रेजेंट है एपिडर्मिस में वन नर्व नेट इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस एंड द अदर नर्व नेट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस यानी कि इंटरनल लेयर में प्रेजेंट है ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा इनके न्यूरॉन के पास दे हैव लॉन्ग नर्व फाइबर्स दे हैव लॉन्ग नर्व फाइबर्स ओके बट नो सेंसरी बहुत गंदा राइटिंग आ रहा है बट नो सेंसरी न्यूरॉन ये आप खुद के वर्ड्स में लिखोगे बट नो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इनके पास खुद का सेंसरी न्यूरॉन भी नहीं होता और मोटर न्यूरॉन भी नहीं होता ठीक है अब इसके आगे देखो क्या बताया गया है इसके पास ना तो सेंसरी न्यूरॉन है ना तो मोटर न्यूरॉन है इसीलिए ना ये कोई भी डायरेक्शन या पोलैरिटी नहीं दिखाते हमारी बॉडी में कैसे फिक्स होता है समझो ये आपका ऑर्गन है इधर पे आपको बाहर से इम्पल्स आया तो ये इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेगा और नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इम्पल्स को प्रोसेस करेगा और वापस ऑर्गन तक लेकर आएगा विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन तो यानी कि हमारा डायरेक्शन फिक्स होता है कि मैसेज किधर लेके जाना है और किधर से लेकर आना है हाइड्रा के पास ऐसे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन नहीं है इसीलिए उसके पास डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है उसके पास डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है यस एवरीबडी हैव पोलैरिटी और एनी डायरेक्शन तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा दस नो पोलैरिटी और डायरेक्शन इनके पास कोई फिक्स पोलैरिटी या डायरेक्शन नहीं होती है ऐसा खुद का नोट्स बनाओ प्लीज मेरे साथ लिखते जाओ पेंसिल से यस yes. अब आगे देखो क्या बताया गया है हमारे हाइड्रा के पूरी बॉडी में ये नर्व नेट फैले हुए हाइड्रा के पूरी बॉडी में ये नर्व नेट्स फैले हुए तो हमको क्या देखने को मिलता है कि समझो यहाँ से हमारे हाइड्रा के पास इसका कोई शिकार आया इधर से हाइड्रा के पास कोई शिकार आया या इधर से हाइड्रा के पास कोई छोटा सा शिकार आया तो जहां पे भी हमारे हाइड्रा के पास प्रे आएगा प्रे यानी कि उसका शिकार जिसको अपना हाइड्रा खाने वाला है तो कहीं से भी अगर हाइड्रा के पास छोटा सा प्रे आ जाता है तो हाइड्रा का वही बॉडी पार्ट एक्टिविटी करने लगता है हाइड्रा का वही बॉडी पार्ट क्या करने लगता है एक्टिविटी दिखाने लगता है और वहीं से वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है इसको हम बोलते हैं टेंटेकल्स टेंटेकल्स मतलब क्या होता है हाइड्रा के एंटीना लाइक स्ट्रक्चर जो प्रे पकड़ने में हेल्प करते हैं ये पानी में ऐसे 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 होते रहते हैं और जैसे इनके पास कोई शिकार आता है ये फटाक से उसको पकड़ के अपनी बॉडी में डाल देते हैं तो हाइड्रा की पूरी की पूरी बॉडी रिएक्ट करती है ओके सो दस इन हाइड्रा एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स कैन हैपन एट एनी पॉइंट बॉडी के किसी भी पार्ट में सेंसरी सेल एक्टिवेट हो सकते हैं एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इम्पल्स कैन बी कैरिड आउट थ्रू आउट द बॉडी इन एनी डायरेक्शन हाइड्रा में डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है तो जहाँ से भी हमारे हाइड्रा को इम्पल्स मिलेगा जहाँ से भी सिग्नल मिलेगा वहीं से उसका इम्पल्स जनरेट हो जाएगा और वहीं से वो एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा दस ब्रिंगिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी और टेंटैकल्स और इसी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है बॉडी में कहीं से भी सिग्नल जनरेट हुआ तो वो सिग्नल की वजह से पूरी की पूरी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है जिसके वजह से हमारा हाइड्रा फटाख से अपना शिकार पकड़ लेता है कैचिंग ऑफ प्रे प्रे मतलब शिकार प्रे मतलब क्या होता है शिकार जिसको हमारा हाइड्रा खाने वाला है ठीक है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स किधर होते हैं एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स कैन अकर एट एनी पॉइंट ठीक है सो नोट दिस पॉइंट आल्सो हाइड्रा मूवमेंट करता है क्या मैम हाइड्रा अपनी जगह से मूव नहीं होता हाइड्रा एक ही जगह पे रहता है वो चल के नहीं जाता क्योंकि उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है देखो अपना हाइड्रा कुछ इस तरीके से है ये चल के नहीं जाता है इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है लेकिन इसके टेंटैकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये टेंटैकल्स की मूवमेंट दिखाता है ये पूरी बॉडी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखता है ये बॉडी की मूवमेंट दिखाता है मतलब जगह पे ये मूव होता है ताकि इसके टेंटैकल्स भी मूव हो सके और अपना खाना पकड़ सके यस एवरीबडी यस आई होप ऋतिक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा ठीक है तो अब आगे देखो क्या बोला गया है द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो सीन इन टीनोफोरा एज वेल एज इन द एंटरिक सिस्टम एंटरिक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंटरिक सिस्टम मतलब क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और गट वॉल ऑफ हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन तो ये जो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है ये सिर्फ हाइड्रा में नहीं देखा गया है ये डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम हमको टीनाफोरा फोर, टीनो टीनोफोरा में भी देखने को मिलता है यस यस ऋतिक मैं आपको यही बता रही हूँ कि टेंटेकल्स का मूवमेंट होता है पूरी की पूरी बॉडी मूव नहीं होती है देखो मूवमेंट मतलब क्या होता है आपने क्लास इलेवेंथ में एक चैप्टर पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्केलेटन एंड लोकोमोशन ऐसा आपको चैप्टर था मैं आपको दो वर्ड के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ तो आपके दिमाग में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा लोकोमोशन एक वर्ड होता है और मूवमेंट एक वर्ड होता है ठीक है महिमा बेटा टीनोफोरा एक फाइलम का नाम है क्लास इलेवेंथ किंगडम एनिमिलिया में आपने पढ़ा था ना दस फाइलम के नाम पढ़े थे आपने कौन से कौन से फाइलम के नाम पढ़े थे टीनोफोरा पोरिफेरा नाइडेरिया प्लैटी हेलमिंटस एसकेलमिन एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का के नाम है ठीक है सिद्धेश्वर गट वॉल यानी कि अपना इंटेस्टाइन का वॉल गट यानी कि स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम एंटरिक सिस्टम बोलो या गट बोलो इसका मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है लोकोमोशन मतलब क्या होता है टू चेंज your लोकेशन locomotion मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है हाँ? locomotion मतलब क्या होता है टू चेंज मतलब your लोकेशन अब अगर आपको अपना लोकेशन चेंज करना है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना पड़ेगा तो आप मुझे बताओ प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं क्या बताओ मुझे देखो ये टॉपिक ये दो वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको समझ गया तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में आप मुझे बताओ प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं क्या प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं ओके तो लोकोमोशन लोकोमोशन मतलब अपना लोकेशन चेंज करना जैसे हम हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं तो हम लोकोमोशन करते हैं और मूवमेंट मतलब क्या होता है अभी मैं एक ही जगह पे बैठे बैठे अपना हाथ पैर सर सब कुछ हिला रही हूँ इसको मूवमेंट बोलते हैं मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज किए बिना आप अपना पोजीशन चेंज किए बिना जो मूवमेंट दिखाते हो उसको मूवमेंट बोलते हैं तो so हाइड्रा में हमको मूवमेंट देखने को मिलता है लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है हाइड्रा की पूरी बॉडी में हमको हलचल देखने को मिलती है यानी हाइड्रा की पूरी बॉडी हिलती रहती है पर हाइड्रा अपना लोकेशन चेंज नहीं करेंगे अगर वो बेसमेंट मेम्रेन से अटैच है तो ठीक है यस yes, एवरीबडी तो सबको समझ गया ये टॉपिक तो इधर पे हमको क्या बोला गया है ये पॉइंट्स आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे ठीक है तो ये जो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है लोकोमोशन मोशन मीन्स चलना मूवमेंट हिलना यस yes, प्रज्वल तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि ये जो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है ये डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम सिर्फ नाइडेरिया में देखने को नहीं मिलता है ये टीनोफोरा में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये हमारे हायर एनिमल्स हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखने को मिलता है यस यस एवरीबडी सबको समझ में आया इधर पे यस yes, ऋषिकेश यस yes, वैष्णवी ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया के बारे में तो सबको समझ में आया बता दो मुझे फटाफट सबको नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा के बारे में समझ में आया ये पॉइंट्स नोट डाउन करके ले लेना तो आपको अच्छे से याद रहेगा ठीक है डन एवरीबडी ओके अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं प्लेनेरिया एक टाइप का फ्लैट वर्म है देखो फ्लैट वर्म कैसे दिखाई देते हैं गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या फ्लैट वर्म ये देखो सबसे पहले हमने आ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा पॉरीफेरा पॉरीफेरा सबसे ज्यादा अनडेवलप्ड एनिमल है जिसका एग्जाम्पल था स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस के पास नर्वस सिस्टम ही नहीं था ठीक है फिर सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा नाइडेरिया सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा नाइडेरिया एंड टीनोफोरा नाइडेरिया एंड टीनोफोरा नाइडेरिया का एग्जाम्पल क्या था एक मिनट नाइडेरिया का एग्जाम्पल क्या था हाइड्रा हाइड्रा के पास सिंपल नर्वस सिस्टम हमने देखा कौन से टाइप का नर्वस सिस्टम हमने देखा डिफ्यूज या सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम हमने देखा यस एवरीबडी ठीक है और यही सिंपल नर्वस सिस्टम हमको और किधर देखने को मिला टीनोफोरा में देखने को मिला ठीक है अभी हम थर्ड फाइलम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्लेटी हेलमिंथस कौन सा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटी हेलमिंथस तो प्लेटी हेलमिंथस मतलब क्या होता है प्लेटी यानी कि ये दूसरा फाइलम है नेक्स्ट फाइलम देखो वापिस बताती हूँ टीनोफोरा पॉरिफेरा नाइडेरिया प्लेटी हेलमिंथस एसकेलमिथस एनालिडा आर्थ्रोपोडा एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डेटा तो हमने नाइडेरिया देखा टिनोफोरा देखा पॉरीफेरा देखा अब हम देखने जा रहे हैं प्लेटी हेलमिंथस तो प्लेटी प्लेटी वर्ड मतलब और हेलमिंथस मतलब होता है वॉम हेलमिंथ हेलमिंथ वर्ड का मतलब क्या होता है वॉर्म ओके प्लेनेरिया मध्य पैरामोशियम नहीं साक्षी प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है एक वॉम सा नाव है प्लेनेरिया प्लेनेरिया का फाइलम नहीं है प्लेनेरिया एक वर्म एग्जाम्पल है जिस अर्थवर्म तसच प्लेनेरिया ओके हेलो कल्याण सो प्लैटी वर्ड का मतलब क्या होता है फ्लैट और हेलमिंथ वर्ड का मतलब क्या होता है वर्म्स ठीक है तो प्लेनेरिया एक प्लेटी हेलमिंथस का एग्जाम है एग्जाम्पल है ठीक है तो इधर देखो क्या बताया है इट इज द मोस्ट प्रिमेटिव एनिमल विद अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अभी तक हमने क्या देखा था हाइड्रा में सिंपल नर्वस सिस्टम देखने को मिला हाइड्रा में क्या देखने को मिला सिंपल नर्वस सिस्टम देखने को मिला और प्लेनेरिया में क्या देखने को मिल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा है प्लेनेरिया में यस yes, यस yes, ये सब था आपको इलेवेंथ स्टैंडर्ड में राम बेटा ये सारी चीजें आप इलेवन स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए और अगर याद नहीं है तो ऐसे खुद का बुलेट पॉइंट्स बनाओ ऐसे खुद का बुलेट नोट्स लिखो जिसके वजह से आपको ये regular basis पे revision करोगे तो तो याद रहेगा, okay? तो प्लेनेरिया में क्या क्या देखने 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 को 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 मिला मिला। मिला मिला। हमको सबसे पहला मूवमेंट बट मूवमेंट इज नॉट लोको मोशन ये ऐश्वर्या सिर्फ मूवमेंट का स्पेलिंग आपने रॉन्ग लिखा है आपने मोवमेंट लिखा है मोवमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड मूवमेंट इज डिफरेंट थिंग मूवमेंट यानी हिलना और मोवमेंट यानी कि वो मौका वो पल वो टाइम दोनों का मीनिंग अलग अलग है ठीक है स्पेलिंग आपका गलत है ओके तो so हाइड्रा में सिंपल नर्वस सिस्टम था प्लेनेरिया के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रिमेटिव टाइप का है प्रिमेटिव मतलब क्या होता है प्राइमरी वेरी बेसिक टाइप ओके इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी हमारा ये प्लेनेरिया है समझो ये हमारा प्लेनेरिया है तो प्लेनेरिया का ऊपर का साइड जो है बाहर का साइड जो है इसको हम डोर्सल साइड बोलेंगे और नीचे का साइड जो है इसको हम वेंट्रल साइड बोलेंगे तो प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम किस तरफ प्रेजेंट है वेंट्रल साइड जैसे समझो अपनी बॉडी है अपना फेस जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड फिर पीछे का डायरेक्शन हो जाता है डोसल साइट ऊपर का टॉप पोजीशन होता है एंटीरियर पोजीशन और पैर को बोलेंगे पोस्टीरियर पोजीशन और ये जो साइड साइड का रीजन होता है इसको बोलेंगे लेटरल साइड ओके तो प्लेनेरिया में उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किधर प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड यानी कि आगे की तरफ नीचे की तरफ इट कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ सेरिब्रल और सिफेलिक गैंग्लियन अपियरिंग लाइक एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ब्रेन अब इधर ध्यान से देखो क्या बोला गया है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है प्लेनेरिया में हमको क्या देखने को मिलता है गैंग्लियन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सिफेलिक और सेरिब्रल मतलब क्या होता है ब्रेन सिफेलिक और सेरिब्रल मतलब क्या होता है ब्रेन और गैंग्लियन मतलब क्या होता है नर्व रिंग गैंग्लियन मतलब क्या होता है बंडल ऑफ नर्व रिंग्स इधर पे देखो इधर पे आपको ये ऐसे बहुत सारे नर्व रिंग्स मिलके उल्टा यू के जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं इधर पे ऐसे नर्व रिंग्स प्रेजेंट है और ये इनवर्टेड उल्टा यू के जैसे प्रेजेंट है सतेज यस सो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास यहाँ पर उल्टा यू जैसा स्ट्रक्चर है ये हमारे प्लेनेरिया का ब्रेन है और यहाँ से आपको बहुत सारी नर्व रिंग्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं तो उन नर्व रिंग्स को हम बोलते हैं गैंग्लियॉन प्लीज गैंगलियॉन वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो नर्व रिंग सिफेलिक या सेरिब्रल मतलब क्या होता है ब्रेन का पार्ट जैसे हमारा ब्रेन कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है सेरिब्रम सेरिबेलम मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा हमारा ब्रेन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है वैसे ही सफेलिक या सेल यानी कि ब्रेन और गैंग्लियन मतलब क्या होता है तो नर्व रिंग्स ठीक है तो दीज नर्व रिंग्स अपियर लाइक एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ब्रेन ये नर्व रिंग्स कैसी दिखाई देती हैं यू शेप यानी उल्टा यू के जैसे दिखाई देती है दीज लाई इन द एंटीरियर और हेड रीजन और ये कहाँ पर प्रेजेंट है मैंने आपको पहले ही बोला था ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स एंटीरियर रीजन किधर प्रेजेंट होता है ये टुवर्ड्स द एंटीरियर एंटीरियर यानी कि हेड रीजन तो हमको हमारे प्लेनेरिया का ब्रेन किधर दिखाई दे रहा है हेड रीजन के पास दिखाई दे रहा है यानी कि एंटीरियर रीजन के पास दिखाई दे रहा है यस वेरी गुड वेरी गुड रुचा तो दीज लाई इन द एंटीरियर और हेड रीजन एंड फ्रॉम ईच गैंग नाइन ब्रांचेस टुअर्ड्स द आउटर साइड इधर देखो क्या देखने को मिल रहा है हमको इधर पे समझो ये एक गैंगलियॉन है ये दूसरा गैंगलियॉन है देखो इधर मैं ड्रॉ करती हूँ समझो ये इनवर्टेड यू शेप ब्रेन है इधर पे एक गैंगलियॉन है ये दूसरा गैंगलियॉन है दिस इज वन दिस इज टू और इन भी ब्रेन का पार्ट है ये स्पॉन्स वेरोली इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन ओके तो इन गैंगलियॉन्स से हमको क्या देखने को मिलता है बहुत सारी नर्व रि नर्व निकल रही है बहुत सारी ब्रांचेज निकल रही है तो टोटल नाइन ब्रांचेस निकलती हैं जिसमें से एक ब्रांच एकदम लंबी होती है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं और इस ब्रांच को जो एक ब्रांच सबसे ज़्यादा लंबी होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो हमारे गैंगलियन से नाइन ब्रांचेस निकलते हैं टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड वेंट्रली फ्रॉम बिलो द गैंगलियन अराइज अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल साइड में हमको क्या देखने को मिलता है एक लंबा सा नर्व कॉर्ड निकलता हुआ दिखाई देता है वेंट्रल साइड में हमको क्या देखने को मिलता है एक लंबा सा नर्व कॉर्ड निकलता हुआ दिखाई देता है ठीक ये ये दे है, इसको हम बोलते है, ये सबसे लंबा वाला है या फिर इसको आप लॉन्ग नर्व कॉर्ड भी बोल सकते हो दीज आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स नर्व इधर पे ट्रांसवर्स आएगा ई आर एस ई इधर स्पेलिंग मिस्टेक है प्लीज स्पेलिंग करेक्ट करो यस पंकज कश्यप गैंगलियन यानी कि बंडल ऑफ नर्व रिंग्स ओके सो प्लेनेरिया के ब्रेन से दो लंबे लंबे नर्व्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड दीज वेंट्रल कॉर्ड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपस में कैसे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स नर्व ऐसे बीच बीच में से ट्रांसवर्स नर्व जाती है जो लैडर के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है अपने जो जिन्हें ना जे महाड़ावर जायला जो हमारा होता है बिल्डिंग में कैसे फर्स्ट फ्लोर से फ्लोर पे जाने के लिए आप यूज, यूज करते हो तो तो लैडर खेला ही होगा सब तो सा में ऊपर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी यूज करते हैं तो समझो ये आपका एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है या आपका दूसरा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है ट्रांसवर्स नर्व की मदद से कनेक्टेड है कैसे कनेक्टेड है दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स नर्व पंकज कश्यप ईच नर्व नर्व को nerve बोलते हैं आपके क्वेश्चन में कमीशन कमीशन वर्ड का मतलब कनेक्टिंग नर्व होता है प्लीज इसको लिख के लो कमीशन वर्ड का मतलब क्या है कनेक्टिव नर्व नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है बेटा ये क्लास इलेवेंथ में पढ़ाया गया है आपको नोटोकॉर्ड इनिशियल कॉर्ड होता है जो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेटा फाइलम में देखा जाता है आगे जाके नोटोकॉर्ड ही आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाने में हेल्प करता है नोटोकॉर्ड इज नॉट स्पाइनल कॉर्ड नोटोकॉर्ड आपका टेम्प्ररी नर्वस सिस्टम होता है जो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाने में हेल्प करता है ठीक है कुछ कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड आगे जाके डिजेनरेट हो जाता है कुछ कुछ एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करने में हेल्प करता है ओके यस yes. कमीशर मतलब क्या होता है कनेक्टिव नर्व कमीशर वर्ड का मतलब क्या होता है कनेक्टिव ठीक है कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव नर्व जो भी है तो ये जो हमारे वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है है ये आपस में कैसे कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कमिशर इन अ लैडर यानी कि क्या होता है आपकी सीढ़ी ठीक है द पेरीफेरल नर्व फ्लेक्सेस अराइजेस वेंट्रली हाँ अभी इधर पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है ये yes, टेंथ yes, का टॉपिक्स था ये सब आपका अभी इधर देखो क्या बोला गया है द पेरीफेरल नर्व प्लेक्सस अराइजेस लेटरली पेरीफेरल नर्व मतलब क्या होता है पेरीफेरल यानी कि साइड साइड से जो नर्व निकलती है ये देखो ये आपका एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये आपका दूसरा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ये साइड साइड से जो नर्व बंडल्स निकल रहे हैं ये अपना एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये अपना दूसरा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड से साइड साइड में जो नर्व्स निकल रहे हैं ये देखो ऐसे पेरीफेरी में जो नर्व्स निकल रहे हैं कैन यू सी दिस

और पेरीफेरल नर्व सिंगल नहीं होते हैं पेरीफेरल नर्व कैसे होते हैं पूरा का पूरा बंडल में प्रेजेंट होता है ये पेरीफेरल नर्व कैसे प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा बंडल में प्रेजेंट होता है ठीक है ओके दे लेटरली फ्रॉम वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साइड साइड से लेटरली यानी कि साइड साइड से लेटरलीरल नर्व निकलते हैं द देरीफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड सेंसरी सेल्स तो इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर हमको सेंसरी सेल्स देखने को मिलते हैं विच आर अरेंज इन लेटरल कॉर्ड्स ये देखो ये अपना वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है अजय सर का कब होगा लेक्चर के टीजी कम्प्लीट होने वाला था कल होगा अजय सर का लेक्चर अजय सर का गला बहुत ज़्यादा ख़राब था डॉक्टर ने उनको बोला थोड़ा रेस्ट देने के लिए सुबह सुबह का लेक्चर थोड़ा अवॉइड करने के लिए क्योंकि उनको सर्दी हो गई है तो वो बाकी का रिकॉर्डिंग करेंगे दोपहर को आफ्टरनून का लेक्चर लेंगे जो भी है और कल उनका मॉर्निंग में लेक्चर कल नहीं फ्राइडे को होगा कल दिवाली की छुट्टी है फ्राइडे को अजय सर का मॉर्निंग में लेक्चर होगा ठीक है

तो दो आईज होती है अपने प्लेनेरिया के पास। दोनों के पास ये दोनों दोनों आई स्पॉट किधर प्रेजेंट होते हैं एकदम एंटीरियर पोजीशन में वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर यानी कि एकदम टॉप में यहाँ पे एक आई प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे एक आई प्रेजेंट रहेगी ठीक है तो इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन ब्रेन के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है ये देर आर सिंगल सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन द बॉडी मतलब इनकी बॉडी में बहुत सारे फैले हुए होते हैं जो सेंसेशन रिसीव करने में हेल्प करते हैं तो अभी तक का हमने जो जो एग्जाम्पल देखा उसका इधर रिविजन दिया गया है इन द अब एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राप्लेरिया एंड द अर्लियर स्टडीड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉकरोच एंड ह्यूम वी हैव सीन द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ चेंजेस ऑफ द न्यूरल सिस्टम देखो सबसे पहले हमने स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल देखा जिनके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं था फिर हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा इसके पास सिंपल नर्वस सिस्टम हमने देखा फिर हमने प्लेनेरिया का एग्ज़ाम्पल देखा प्लेनेरिया के पास सिंपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देखा और ये अभी हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमंस में कॉम्प्लेक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा तो एक चीज़ हमको इधर पे क्या देखने को मिल रही है जैसे जैसे एनिमल्स का स्ट्रक्चर बढ़ता है जैसे जैसे एनिमल्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते जाता है वैसे वैसे नर्वस सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाता है तो इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम इवोल्यूशन इवोल्यूशन यानी कि डेवलपमेंट ओके तो देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ एज इलेक्ट्रिकली सिग्नलिंग सेल्स एंड ऑल्सो इन द एंटायर सिस्टम ग्रेजुअली फ्रॉम अ डिफ्यूज न्यूरल सिस्टम टू अ अट्रलाइज नर्वस सिस्टम मतलब क्या बोला गया है देर इज अ हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं येस yes, महिमा ग्रेजुअल यानी कि स्लोली स्लोली तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं जो न्यूरोन्स फॉर्म करते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन में जो चेंजेज होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल और हमको हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है जैसे जैसे एनिमल्स की बॉडी एडवांस होते जा रही है ग्रेजुअली यानी कि स्लोली स्लोली जैसे जैसे एनिमल्स का फाइलम इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ते जाता है और सिंपल नर्वस सिस्टम से हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करता है ओके द एक्सपांशन इंटू अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टम इन्वॉल्विंग द ब्रेन इट्स ग्रेजुअल एक्सपांशन इन साइज एंड फंक्शन तो इसके वजह से हमको क्या देखने को मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वजह से ब्रेन का साइज इंक्रीज होगा और उसके फंक्शन में भी चेंजेस होंगे ब्रेन का साइज एंड फंक्शन विल चेंज ओके सो दिस इज ऑब्जर्व इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिस हैज़ लेड टू देंट्रलाइजेशन ऑफ वेरियस सेंस ऑर्गन असिस्टिंग इन कोऑर्डिनेटिंग द इंटरनल एनवायरमेंट विद डेट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इसके वजह से हमको क्या देखने को मिलता है बस दो मिनट और चलेगा लेक्चर संपना रहता इसके वजह से हमको क्या देखने मिलता है कभी भी अगर मेरा क्लास अटेंड करने आते हो ना तो ऐसा मत पूछा करो कि मैम लेक्चर कब खत्म होने वाला है अगर आपको कंटाला आता है तो आप लेक्चर बीच में छोड़ के जा सकते हो फ्रेश होके चाय पी के वापिस से आने का क्लास में जब तक टॉपिक कवर नहीं हो जाता तब तक हम लेक्चर ओवर नहीं करते हैं और अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रेगुलरली आपका एक घंटे का ही लेक्चर होता है साढ़े सात से साढ़े आठ ठीक है जब आप टाइम पूछते हो ना तो ये टीचर की इंसल्ट रहती है टाइम आप आप भले ही इंसल्ट करने के मोटिव से नहीं पूछ रहे हो लेकिन जब आप ऐसा पूछते हो कि मैम और कितना टाइम चलने वाला है लेक्चर तो टीचर को क्या लगता है कि आप पकने लगे आपको बोर हो रहा है तो ऐसा बोलते हैं ना अरे यार और कितना मिनट पकाने वाली है मिस इधर पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है ये कॉलेज नहीं है ना अपना आपका मन करे तो आप लेक्चर ज्वाइन करो मन ना करे तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देखो आपकी विषय लेकिन कभी भी ऐसे चैट में पूछने का नहीं कि मैम लेक्चर और कितना टाइम चलने वाला है जब तक टॉपिक कवर नहीं हो जाता तब तक लेक्चर चलता रहेगा ठीक है हम लोग ऐसा घड़ी का अलार्म कॉलेज टीचर कैसे घड़ी देखती रहती है कब खत्म होएगा कब खत्म होएगा हम लोग घड़ी देख के लेक्चर नहीं लेते हैं हम लोग टॉपिक देख के लेक्चर लेते हैं कभी कभी आधे घंटे में खत्म हो जाता है कभी कभी डेढ़ घंटे तक लेक्चर चलता है तो प्लीज इन चीजों को याद रखो ये चीजें बहुत मैटर करती है ओके ऋतिक बेटा थोड़ा सा चैप्टर कवर कर लेने दो फिर उसके बाद मैं मेंटी क्विज के सेशन भी लेकर आऊंगी पक्का ठीक है ओके तो क्या देखने को मिलता है हमको इधर पे कि जैसे जैसे हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम डेवलप होते जा रहा है वैसे वैसे हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप होते जाते हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंज करते हैं एज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस बॉडी के बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से बॉडी के अंदर भी हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑल्सो देर इवोल्यूशन ऑफ देर इज आएगा ऑल्सो देर इज इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम विच एफिशेंटली ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन वन पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू अनदर मतलब क्या बोला गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तो काम ही यही है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तो काम ही यही है एक ऑर्गन से मैसेज लेना और दूसरे ऑर्गन को मैसेज देना ठीक है सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे जैसे अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा वैसे वैसे हमको आ, क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो मैसेजेस है वो आगे आगे ट्रांसफर होते जा रहा है ठीक है तो so, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए अब फाइनली मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाली हूँ दिवाली वेकेशन है थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे तो अब आपका नीट का पोर्शन थोड़ा स्लो चल रहा था लेकिन अब मैं ये भी एकदम फास्ट लेके जाने वाली हूँ और नीट के लेक्चर्स मैं लाइव लेने का भी सोच रही हूँ मतलब नीट के कुछ चैप्टर्स नीट के कुछ चैप्टर्स मैं लाइव आकर पढ़ाने का सोच रही हूँ ठीक है तो आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस इन दिस नवंबर मंथ नीट के चैनल पे नवंबर में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस में लाइव लेकर और रिकॉर्डेड लेकर अपलोड करने की कोशिश करूँगी ठीक है थोड़ा सा स्लो चल रहा था बट अभी थोड़ा टाइम है तो आई विल ट्राई टू कवर दिस पोर्शन एज मच एज़ पॉसिबल ठीक है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे एम सी होने वाले हैं आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके यस एवरीबडी थैंक यू सतेज तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कोई बच्चा अगर सी के लिए प्रिपेयर कर रहा है अगर आपको सी के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हम जो इम्पल्स बैच है जो मैट्रिक साइंस अकेडमी का ऐप है इम्पल्स बैच आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इम्पल्स बैच को कैसे सब्सक्राइब करना है पी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सब कुछ रिकॉर्डेड होता है प्लस लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं पूरा सिलेबस एक ही ऐप में मिल जाता है विथ एम सी क्यू सॉल्विंग सेशन विथ लाइव सोल्यूशंस मेरे ऑलरेडी आठ नौ चैप्टर्स इधर पे खत्म हो चुके हैं सो so, बहुत अच्छा फिजिक्स बहुत अच्छा केमिस्ट्री बहुत अच्छा मैथ्स बहुत अच्छा बायो होता है फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर रुपीज़ का पैकेज है जब तक आपका सी एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लेक्चर्स कंटिन्यू चालू रहेंगे इम्पल्स बैच में तो अगर किसी बच्चे को सी के लिए प्रिपेयर करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आपको अगर मराठी में पढ़ना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इम्पल्स बैच फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी फोर कैसे ज्वाइन करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इथ विद योर फ्रेंड्स लाइक इट एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल चैनल को सब्सक्राइब करो 14th नवंबर से पहले प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दो 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करवा दो ताकि मैं आपके लिए एक भट्ट वैसे भी सरप्राइज लेकर आने वाली हूँ ऐसे भी भयंकर सरप्राइज आने वाला है ठीक है तो फोर्टीन नवंबर से पहले फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स होने का टारगेट है ठीक है मैम आपका अगला क्लास कब होगा रुचा बेटा मेरा अगला क्लास अभी तो डिसाइड नहीं किया है बट जब भी होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा दिवाकांत मिश्रा बेटा मेन्टिक्विज लेने के लिए पहले थोड़ा टॉपिक तो कवर करने दो मालूम पड़ा मैं क्वेश्चन लेकर आ गई लेकिन आप लोग सब गलत गलत आंसर दे रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा टॉपिक कवर होने दो थोड़ा आप लोग पढ़ाई करो फिर मैं मेन्टिक्विज सेशन लेकर आऊंगी ठीक है थैंक यू दिवाकांत मैम क्या क्या मिलता है लाइव लेक्चर होते हैं क्या सतेज बेटा 90 परसेंट लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड आपको दिए जाते हैं और फिर सी एग्जाम के पहले आपके लाइव लेक्चर्स होंगे डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे वन शॉर्ट सीरीज होगी एम बहुत सारे एम सी होते हैं ओके थैंक यू महिमा ओके थैंक यू थैंक यू एवरीबडी चलो सो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा जल्दी मिलेंगे हैप्पी दिवाली टू एवरी आज का टारगेट पूरा करना आज का डेली टारगेट का वीडियो देखो आज का टारगेट पूरा करके लो और फिर उसके बाद आप अपना दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हो कल आपका लेक्चर नहीं होगा टुमारो यू विल हैव दिवाली हॉलीडे ठीक है सो हैव अ वेरी सेफ हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली एंड हमारे तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से मेरी तरफ से अजय सर की तरफ से हमारी एडिटिंग टीम की तरफ से ज्ञान लैब की तरफ से आपको ढेर सारे कंग्रेचुलेशन एंड ढेर सारे बेस्ट विशेज सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी फॉर योर टूडेज टारगेट एंड हैव अ हैप्पी दिवाली बाय बाय एवरीबडी टेक केयर सी यू ऑल वेरी सुन बाय बाय